आज होना चाहिए मेंस एग्जाम में पीटी स्क्रीन टाइप होना चाहिए, जैसे यूपीएससी लेता है बीपीएससी लेता है, पीटी जैसा, मेंस जैसा नहीं। आप पोस्ट अभी कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हम लोग जो है, अच्छा ये बताइए कहाँ कमी आई है, रिजल्ट जो आना चाहिए पीटी में पीटी जैसा, मेंस जैसा नहीं। पोस्ट वाइज मेंस में कीजिए जो होना चाहिए वैसा। और जो है इस आंदोलन का आज से आक्रोश नहीं है, हम लोग 10 दिन से देख रहे थे, ट्विटर कैंपेन किए, यूट्यूब पर भेजे, लेकिन ये सरकार नहीं सुनी। तो आज हम सरकार को बता देते कि छात्र क्या कर सकता है, स्टूडेंट क्या कर सकता है, हम करेंगे। आपको आपका जो काम है गलत किए हैं उसका विरोध करेंगे। आपके द्वारा हम ये कहना चाहेंगे, रेलवे सरकार, मोदी सरकार, चाहे जो भी है, पीटी जैसा लीजिए, स्क्रीन टाइप लीजिए, आप मेंस में पोस्ट दीजिए, मेंस में आप एलिजिबल है। 8 महीना तक एग्जाम चला, आप कैसे कह सकते हैं? कलेक्टर 4-5 आदमी थे, मैं अभी प्लेटफॉर्म के एंड के बगल में जाऊंगा, वहाँ हमारे अधिकारी डीआरएम साहब आ रहे हैं, आप लोग कहीं बोले आप इतने लोगों से एक साथ वार्ता नहीं होती है, फिर आप लोग नहीं समाधान चाहते हैं, फिर आप समाधान नहीं चाहते, फिर आप समझ लीजिए, ठीक है, आप समाधान नहीं चाहते, इसका मतलब अगर आप समाधान चाहते हैं इतने लोगों के बीच में वार्ता नहीं हो सकती है, ठीक है, आप समाधान नहीं चाहते हैं तो आप लोग को जो ये तरीका है, ये तरीका का भी एक बात और, जब ब्याह होता है सर तो इंगेजमेंट के समय हमको क्या मेंस में पूछिए कि कौन सा सीट चाहिए, पहला। दूसरा कि रिजल्ट जो आप रिवाइज, एक रोल नंबर चार्ज हम मत दीजिए, बस एक के बात है सर, पीटी में पीटी में बस पोस्ट वाइज रिजल्ट दिया, गवर्नमेंट पोस्ट वाइज को खत्म करके 20 गुना रिजल्ट दे, बस हम लोग की यही मांग है, 20 गुना रिजल्ट बोले थे, 20 गुना रिजल्ट दे, 7 लाख रिजल्ट दे, बस हम लोग का यही मांग है। और नॉर्मल ऐसा एक स्टूडेंट का एक रिजल्ट हो, और 7 लाख जो रोल नंबर लिया गया है ना, उस 7 लाख केवल बच्चा स्पेशल इंडिविजुअल बच्चा होना चाहिए, और कुछ नहीं। अगर जब 55 नंबर 60 नंबर लड़े होना रोमक्स था, जिसका बढ़ा के 90 कर दिया गया, 75 नंबर 85 नंबर पर रिजल्ट नहीं हुआ, ये कैसे होगा? लड़का का 7 लाख रिजल्ट लड़का है ना, तो लड़का सब शांत हो जाएगा। और जो पोस्ट वाइज कटअप गया है ना पीटी का, ये मेंस का रिजल्ट होता है सर, मेंस का रिजल्ट होता है पीटी में जो गया है। अगर पोस्ट वाइज कटअप हटा देना तो सब लड़का पास हो जाएगा, सब लड़का गारंटी है, सब लड़का पास हो जाएगा, यही बात है। और कुछ माहौल बना हुआ है, आपसे पुलिस प्रशासन बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि आपके नेता उनसे बात करें। नहीं, हम बात करने से कुछ नहीं है सर, यहाँ पर कोई नेता, यहाँ पर कोई लीडर नहीं, नेता है सब भाई है सर, यहाँ पर सबका मुद्दा एक है, सबका मुद्दा है एक है, खाली एक ही मुद्दा है पोस्ट वाइज, नहीं सर, न नेता है न भाई है, सब हम भाई हैं, खाली पोस्ट वाइज कटअप, कोई नेता जो जो मेंस ये नया नया प्रयोग, जब पीटी का सुनिए सर, जब पीटी का रिजल्ट हुआ है ना, तो मेंस का रिजल्ट पीटी में कैसे, रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम इन रेलवे हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार हुआ है सर। कोरोना की स्थिति में इतना होते हुए भी बच्चों ने तैयारी किया है, कोरोना में किस तरह के आर्थिक स्थिति लोगों का खराब होने के बाद भी तैयारी में स्टूडेंट जुटे रहे हैं, उसके परिवार माँ बाप किसी तरह से बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, 4 साल वैकेंसी का इंतजार करने के बाद भी स्टूडेंट यहाँ पे जॉब नहीं मांग रहा है, स्टूडेंट केवल ये चाह रहा है कि हमको बस मेन एग्जाम देने का मौका दिया जाए, जिस तरीके से जो प्रक्रिया से पहले सिलेक्शन किया गया था बच्चों का, उसी प्रक्रिया से इस बार फिर सिलेक्शन किया जाए, बच्चे कोई जॉब नहीं मांग रहा है, बच्चे को पता है कि फाइनली 35,000 स्टूडेंट का ही जॉब लगेगा, बच्चे जॉब नहीं मांग रहे हैं, बच्चे केवल और केवल एग्जाम में बैठने का मौका मांग रहे हैं, जिस प्रोसेस से पहले एग्जाम लिया गया था, रिजल्ट दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ बच्चे वही मांग कर रहे हैं, इसके अलावा और बच्चे का कुछ मांग नहीं है।
ये रिजल्ट जो हम लोग का है ये 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए, और हम लोग इसी के मांग पर जो रेलवे जो 20 गुना रोल नंबर दिया है, जो कि हम लोग 20 गुना आदमी की बात कर रहे हैं। और बात रही सरकार जो बात करती है नोटिफिकेशन की बात करती है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह हुआ, हम लोग हर तक गए हैं, ट्विटर कैंपेन पर 10 मिलियन लड़का ट्विटर कैंपेन पर नहीं मिला तब ना हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, कोई बात करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। सारे मेच्योर लोग हैं, कोई लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम सॉल्यूशन निकालें। ये लोग एक तो अपने खाली हल्ला करने के लिए, हम लोग उनका समाधान चाह रहे हैं कि समाधान हो जाए, तो उसके लिए भी नहीं कोई आगे आ रहा है, ना कोई एजेंडा है ना कुछ है। सारे लोग एक तरह से खाली हल्ला कर रहे हैं। देखिए, किसी भी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नेता होना चाहिए ना, आपस में सहमति होगी कि हाँ एक तरफ से तुम जाके बात करो, क्या जितने लोग खड़े क्या कोई भी आया, हम लोग तो सारे लोग आए, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, हम किनको बुलाएं बीच में घूम के बात करने के लिए। हम लोग फोन पर बात करा देते हैं, तुम आओ 5 आदमी से बैठ के बात हो जाता है, एजेंडा लाओ, सारा बात करते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहें, 5 आदमी लोग अपने में चुन नहीं सकता कि कौन सक्षम है जो आके बात कर सकते। काफी देर से हंगामा हो रहा है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं, इन लोग का कोई स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ आके पट्टी पे बैठे हैं और कुछ नहीं, कोई इन लोग का प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ना इन लोग में ग्रुप है कोई, ना कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव है कि आके बात करें। हम लोग बोल रहे हैं कि आप 5 आदमी आइए बात कीजिए, नहीं कोई नहीं है, वो सब ऐसे ही है। बारिश हो रही है, बोलते तूफान जो आया भी, हम लोग तो खड़े हैं क्या भाई आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बात करने वाले ही तैयार नहीं है। चलिए रेलवे पुलिस